हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मेरा जिस आपका अपना चैनल गवर्नमेंट जॉब अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, झारखंड बीएड एडमिशन 2020 इंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षा का जो है नोटिफिकेशन निकल गया है दोस्तों। और जैसे कि जानते हैं आप लोग कि इसका अप्लाई ऑनलाइन होता है। जी हाँ फ्रेंड, इस वीडियो हम लोग फी, डॉक्यूमेंट्स और सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। झारखंड के संबंधित रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, वेरियस एग्जाम से संबंधित अपने चैनल पर वीडियो लेकर आते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा लेट नहीं करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद, देखिए फ्रेंड, ये 31 जनवरी को आपका नोटिफिकेशन आउट किया गया है और इसमें हम लोग महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे। जैसे कि दोस्तों, इसमें आपका जो है, देखिए फ्रेंड, इसमें आपका 2 नंबर बताया गया है कि 2 वर्ष का इसका जो आपका है बीएड होने वाला है, इसमें आरक्षण जो है झारखंड के जो निवासी होंगे उसको आरक्षण मिलेगा। 4 नंबर इसमें जो लिखा हुआ है फ्रेंड कि आपका जो है झारखंड के विश्वविद्यालय से जो आपका जो अभ्यर्थी पास किए हैं उसमें 85% उसको आरक्षित होगी और शेष 15% सीट आपका जो है खुली विश्वविद्यालय के लिए होगी, जो यानी कि जो बाहर से किए हुए हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड कि ग्रेजुएट पास स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं, बाकी आप एमए पीएचडी कुछ भी किए हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड, आवेदन की प्रक्रिया हम लोग जान लेते हैं कि 15 फरवरी से आपका ऑनलाइन होने वाला है और पूरे 31 मार्च तक इसका लास्ट आवेदन का डेट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड और आगे हम लोग देखते हैं, जहाँ तक बात करें दोस्तों परीक्षा शुल्क के बारे में, तो जनरल और जनरल ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट को लिए आपको 1,000 रुपया रखी गई है फ्रेंड, जो पहले था। और आपका BC1 और BC2 झारखंड राज्य के लिए आपका 750 रुपया रखा गया दोस्तों। ST SC और महिला के, सभी महिलाओं के लिए 500 रुपया आपका रखा गया। हाँ जी हाँ फ्रेंड, 500 रुपया रखा गया है। और बाहर से जहाँ तक बात करें कि ST SC यदि अदर स्टेट वाले होंगे तो उसको 1,000 रुपया लगेगा। जी हाँ, अदर स्टेट वाले ST SC या स्टूडेंट को और या OBC स्टूडेंट को आपका जो है 1,000 रुपया ही भुगतान करना होगा। चलिए हम लोग आगे आपको सिलेबस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड। सिलेबस में देखिए आपका क्या है कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगी, कुल 100 अंकों का आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, और नेगेटिव आपका जो है 1/4 का जो आपका नेगेटिव होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं आपका, देखिए यहाँ फ्रेंड, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में 30 क्वेश्चन होगी, जिसमें इसे 15 आपका जो है हिंदी का और 15 इंग्लिश का आपका जो है आपका जो क्वेश्चन पूछेगा। टोटल आपका जो है 30 क्वेश्चन पूछने वाला है। आगे आपका नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का पूछने वाला है फ्रेंड। और आपका नेक्स्ट है आपका रीजनिंग का। जी हाँ फ्रेंड, रीजनिंग का आपका जो है 30 क्वेश्चन पूछने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चन आपका पूछेगा फ्रेंड, उसी के आधार पर आपका जो है मेरिट लिस्ट बनने वाली है। जी हाँ फ्रेंड, मेरिट लिस्ट आपका जो है उसी के आधार पर बनने वाला है कि आप कितना नंबर लाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट, और जहाँ तक बात है दोस्तों परीक्षा केंद्र और परीक्षा का आपका कब होने वाला है दोस्तों एग्ज़ाम, तो आपका जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों। और एग्ज़ाम जो है आपका मई, जी हाँ दोस्तों, मई के प्रथम सप्ताह में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मई में आपका एग्ज़ाम होगा, जो कि अभी जब जानते हैं फरवरी अभी चल रहा है, और आपका जो है मार्च तक, 31 मार्च तक आपका एग्ज़ाम होगा और मई में आपका पहला वीक में आपका एग्ज़ाम भी होगा। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी टाइम नहीं दिया है, जो जिन स्टूडेंट्स में इच्छुक है वो अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दे, क्योंकि इसका मई के प्रथम सप्ताह में इसका जो है एग्ज़ाम लेगा। एग्ज़ाम कहाँ लेगा दोस्तों, एग्ज़ाम आपका जो है रांची में। जी हाँ दोस्तों, रांची में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आपका जो है झारखंड की राजधानी रांची में ही आपको एग्ज़ाम होगा। और आपका एडमिट कार्ड दोस्तों आपका जो है 4 दिन पहले आपका डाउनलोड होगा। आपका डेट बता दीजिए कि फलाना दिन आपका एग्जाम है, उसके 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, हमको ऑनलाइन में क्या क्या आपका जो सर्टिफिकेट मांगा है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑनलाइन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा और स्कैन पासपोर्ट साइज का एक रंगीन फ़ोटो आपको देना होगा। जी हाँ फ्रेंड, आप रंगीन फ़ोटो दीजिएगा जिसमें कि साफ साफ आपका फ़ोटो हो। उसके बाद आपका जो है बाएं हाथ का अंगूठा का निशान आपको अपलोड करना होगा। जी हाँ दोस्तों, एक थंब अपलोड करना होगा PDF 5 में। जी हाँ दोस्तों, PDF 5 में सब आपको जो है अपलोड करना। इसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ मैट्रिक का जो है आपका जो है अंक पत्र, आपका जो है मार्कशीट अपलोड करना होगा।
इसके बाद आपका जो स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन का जो है आपका जो मार्कशीट अपलोड करना होगा। यदि आप एमए किए हैं तो फिर आपका जो एमए का आपका करना होगा। एनसीसी किए हैं तो एनसीसी का अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र आपको जो अपलोड करना होगा। जहाँ तो निवासी प्रमाण पत्र आपको झारखंड राज्य के निवासी हैं इसी के लिए आपको आरक्षण मिलेगा। यदि झारखंड राज्य के लिए यदि आरक्षण आप लेना चाहते हैं दोस्तों 85% में आप आना चाहते हैं तो आपका जो है निवासी आपको अपलोड करना होगा झारखंड राज्य के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आरक्षण लाभ हेतु। जाति प्रमाण पत्र फिर आपको अपलोड करना होगा जाति। जी हाँ फ्रेंड 7 नंबर में देखें आय प्रमाण पत्र। यदि आप EWS के कैंडिडेट हैं तो आपको आय प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। देखिए दोस्तों इतना आपको जो है अपलोड करना होगा फ्रेंड तभी आपका जो फॉर्म सक्सेसफुल होगा। आप ऑनलाइन दोस्तों देखिए यहाँ पर jcecb.jharkhand.gov.in में जाके आप जाके अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं फ्रेंड। यदि आपको कोई दिक्कत है फ्रेंड तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट आप ज़रूर करें। हाँ हर एक कमेंट का हम रिप्लाई देते हैं फ्रेंड। वीडियो पसंद है उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड यदि मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।